Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So here I am Dr. Tarangni Goswami, an Academy Zoology Educator at Delhi Janakpuri. And आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा वक्त है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि ऑनलाइन चूज करें या ऑफलाइन चूज करें, और इतने ऑप्शन आ चुके हैं ना कि समझ ही नहीं आता भाई कि चल क्या रहा है. तो आज ना मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगी. मैं तुम्हें डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलूंगी कि तुम ऑनलाइन चूज करो ऑफलाइन चूज करो, हर किसी क्या वजह जो है वो अलग हो सकती है. तो तुम अपने हिसाब से खुद इस बात का डिसीजन लो कि तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना है या फिर तुम्हें ऑफलाइन पढ़ना है. ठीक, तो हम दोनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ ऑनलाइन कोचिंग का फायदा क्या है. देखो, पहला फायदा आपका सिर्फ ये है, सबसे पहला, कि कंपैरेटिवली फीस बहुत कम होती है ऑनलाइन जो भी क्लासेस होती है उनकी. ऑफलाइन में सबको पता है कि 80,000 60,000 1,00,000 तक का खर्चा हो रहा है, और अगर इससे कम का खर्चा हो रहा है तो आपको ऐसे बल्क में पढ़ाया जा रहा है कि डेफिनेटली आप उसमें कुछ भी पर्सनल अटेंशन आपको मिलने वाली नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द भेड़चाल, और भेड़चाल में मुझे नहीं लगता कि एक एवरेज बच्चा कुछ कर पाता है. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द बच्चे आर द एवरेज. अगर हम उनको टीचर्स थोड़ा सा ध्यान दे लें तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक, तो पहली चीज जो मुझे लगती है कि ऑनलाइन में फीस कम है. बट ऑनलाइन का एक ये बुरी चीज है कि वहां पर ना टीचर आपको ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर सकता आपसे, आपका इतना इंटरेक्शन नहीं होगा टीचर के साथ. बट ऑफलाइन में क्या होता है कि जब बच्चा रोज आता है तो कहीं ना टीचर कोई ना कोई उस पर ज्यादा ध्यान दे पाता है, उनको समझा पाता है कि बेटा पहले तुम अच्छा कर रहे थे, अब तुम अच्छा नहीं कर रहे हो. तो एक पर्सनल ह्यूमन इंटरेक्शन होता है जो कि मुझे लगता है सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाने से ही आता है. बिकॉज मैं ऑनलाइन टीचर भी रही हूँ, मैं ऑफलाइन टीचर भी रही हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि टीचर एज अ टीचर पर्सपेक्टिव कि हम कैसे ध्यान दे पाते हैं. ऑनलाइन में ना हमें शक्ल नहीं दिख रही होती, सीरियसनेस नहीं दिख रही होती है, एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा होता, हमें समझ नहीं आता कि बच्चा कितना सीरियस है. बट ऑफलाइन में ना समझ आता है कि यार ये बच्चा ना कुछ करना चाहता है, तो हम उसको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि ऑफलाइन की फीस ज्यादा क्यों होती है, तो रीजन इज दैट क्योंकि ऑफलाइन जब आप सेंटर पे जाओगे तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा. अगर आप शहर चेंज कर रहे हो तो शहर चेंज होगा, तो उसका हॉस्टल पीजी फ्लैट इन सब का खर्चा बढ़ता है. दूसरा, आपका स्टडी मटेरियल आपको मिलता है तो उसकी वजह से थोड़ी फीस ज्यादा होती है. आपको यूनिफॉर्म दी जाती है रोज सेंटर आने के लिए, तो इन सब चीजों का थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है. बट एक बहुत अच्छा फायदा है ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करने का कि आप ना अच्छे से एक डिसिप्लिन सीखते हो. आजकल ऑनलाइन सब बच्चों को इतना ज्यादा एक्सेस मिल चुका है कि वो डिसिप्लिन भूल चुके हैं. अब क्या होता है ना कि ऑनलाइन एक्सेस तो ले लिया, खरीद लिया, अब क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एजुकेशन राइट एट योर होम. कहीं भी कभी भी जब मन करे पढ़ाई करो, पर मन तो कभी करता ही नहीं ना पढ़ाई करने का, समझ रहे हो. पढ़ाई एक ऐसी चीज नहीं है कि अरे बच्चे का खुद से इतना मन कर जाएगा, नहीं. वो ही बच्चा सिर्फ ऑनलाइन के लिए मुझे लगता है जाना चाहिए, जिन बच्चों को लगता है कि वो खुद से ही मोटिवेटेड है. जिन बच्चों के इस बार 550 से प्लस मार्क्स आए हैं नीट 2024 में, वो बच्चे डेफिनेटली जा सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए. पर जिनके इनसे कम है वो खुद से मोटिवेटेड है ही नहीं, उनको आना पड़ेगा ऑफलाइन, उनको टीचर से रोज सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंटरेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. अदरवाइज ऑनलाइन की फीस भी बर्बाद हो जाएगी. ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सेस मिल चुका है ऑनलाइन का, ये और ज्यादा आपको डिग्रेड कर रहा है. कहीं भी कभी भी कैसे भी पढ़ाई नहीं हो सकती. ठीक, दूसरा, इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि बहुत सारी कोचिंग में अगर एकेडमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिड क्लासेस चलती है. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि आपको ऑनलाइन भी मिलेगा उसका एक्सेस और ऑफलाइन भी आप पढ़ रहे होंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर आप आज नहीं आए सेंटर तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, या आपकी तबीयत खराब है तो उसका जो बैकलॉग बना है वो आप 4 दिन बाद भी वीडियो देख सकते हो, है ना. बट आपको ऑफलाइन भी आना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि बेस्ट चीज है. सिर्फ ऑनलाइन या सिर्फ ऑफलाइन से काम कभी भी नहीं चल सकता. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब ऑफलाइन में आप आओगे, एडमिशन लोगे, हमसे इंटरेक्शन होगा, चारों टीचर्स से होगा, तो एक पॉइंट आता है कि जब पीटीएम होती है तो पीटीएम के टाइम पे क्या होता है ना कि हम पेरेंट्स से बात करते हैं और हमारा एक अलग टाइप ऑफ कनेक्शन बन जाता है उस बच्चे के साथ कि हाँ ये बच्चा ना, जैसे बहुत बार हुआ है पिछले कुछ सालों में भी कि पेरेंट्स आकर ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत शाय है, ये पूछ नहीं पाता है, तो मैम आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लो, तो हम देते हैं. बट ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं हो सकता ना. तो मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें ऑनलाइन आना है या ऑफलाइन आना है. बट इफ यू वॉन्ट अ फ्री गाइडेंस फ्रॉम मी, यू कैन डेफिनेटली फिल द गूगल फॉर्म. नीचे मैंने एक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उसके अलावा अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप एक बार अनअकैडमी दिल्ली जनकपुरी सेंटर पर विजिट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली गाइड यू कि आपको अभी क्या करना चाहिए। बट जितना भी मेरे पास इन दोनों के कंपैरिजन में बात थी मैंने यहाँ पर शेयर करी। आप अभी नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करो कि आपको क्या लगता है, ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन अच्छा है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, यूट्यूब बिल्कुल अच्छा नहीं है, यूट्यूब ना बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड जस्ट बेस्ट प्रिपेयर करो अपना नीट 2025 के।